अगर आपने भी बैंक लॉकर की सुविधा ले रखी है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जल्द ही आपको अपने बैंक से संपर्क करना पड़ सकता है और KYC समेत दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, इस काम को करने के लिए आपके पास चंद दिन ही बचे हैं, क्योंकि 1 जनवरी से बैंकों में लॉकर से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे। कहानी पूरी ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी प्रमुख बैंकों को अपने लॉकर होल्डर्स के साथ 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक की रिवाइज्ड गाइडलाइंस में कहा गया है कि बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि लॉकर एग्रीमेंट में गलत तरह से नियम और शर्तें लागू ना की जाएं। इसमें यह भी कहा गया है कि बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर कस्टमर्स के साथ 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि नए नियमों के तहत सभी बैंकों को एक नया लॉकर एग्रीमेंट अपने लॉकर होल्डर्स को सर्कुलेट करना होगा। इसमें कहा गया है कि बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बनाए गए मॉडल लॉकर एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक होने चाहिए। RBI की नई गाइडलाइंस का ऐलान 8 अगस्त 2021 को हुआ था। इन्हें 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया। इनमें ये भी कहा गया कि डिपॉजिट वॉलेट्स वाली जगहों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैंकों की है। यहाँ बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी फायदे की बात भी है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि अगर बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर से सामान का लॉस होता है तो बैंक को इसका भुगतान करना होगा। इसमें कहा गया है कि अगर वॉलेट में रखे कस्टमर्स के कीमती सामान की चोरी होती है या आग या बिल्डिंग के गिरने के चलते ये खत्म होता है तो कस्टमर बैंक चार्ज के 100 गुना तक हासिल कर सकते हैं। RBI ने कहा है कि लॉकर रूम्स की मॉनिटरिंग के लिए बैंकों को CCTV लगवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बैंकों को CCTV का डेटा 180 दिन तक सुरक्षित भी रखना होगा। इससे किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लॉकर से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये भी कस्टमर्स के लिए काफी फायदेमंद बदलाव है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को ये बताना होगा कि उनके यहाँ कितने लॉकर उपलब्ध हैं। इसके लिए बैंकों को अपने ब्रांच में बैंक लॉकर की उपलब्धता की पूरी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। उन्हें लॉकर की वेटिंग लिस्ट का भी पूरा खुलासा करना होगा। इस नियम के लागू होने से बैंक अब अपने ग्राहकों को लॉकर देने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे, साथ ही लॉकर देने से जुड़ी धांधलियों पर भी लगाम लगेगी। RBI ने इसके साथ ही कुछ और अहम बदलाव भी किए हैं। इनके जरिए कस्टमर्स के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। मसलन कस्टमर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि जब भी ग्राहक अपने लॉकर को खोलता है तो बैंक को उसे हर दफा SMS और ईमेल के जरिए इस बारे में बताना होगा। इससे कस्टमर्स को फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश में ये भी कहा है कि बैंक किसी भी लॉकर आवंटित करते वक्त 3 साल के रेंट के तौर पर टर्म डिपॉजिट की मांग कर सकता है। हालांकि मौजूदा लॉकर होल्डर्स से बैंक इस तरह के टर्म डिपॉजिट की मांग नहीं कर सकते हैं।